तहसील सदर की सबसे तेज तर्रार टीम के मुखिया ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल सहित तहसीलदार सदर डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित, राजस्व निरीक्षक प्रद्युमन सिंह, एसडीएम सदर के ड्राइवर समसुद्दीन और उसके अर्दली मुक्तिनाथ पांडे को होम क्वारंटाइन किया गया है। इन सभी लोगों का नमूना लेकर कोरोना जांच के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट सोमवार की सुबह तक आने की उम्मीद है। इस संबंध में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप पर सभी के मोबाइल पर संक्रमण का जोखिम उच्च है। संक्रमित व्यक्ति के साथ हाल ही में संपर्क हुआ का संदेश आया था, जिसको देखते हुए एहतियातन सभी ने अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लिया। एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि एहतियात के तौर पर सभी होम क्वारंटाइन पर हैं, सैंपल जांच के लिए चला गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की स्थिति साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि होम क्वारंटाइन हुए पाँचों लोग सभी हॉटस्पॉट एरिया में से लेकर रेलवे स्टेशन पर लगातार ड्यूटी कर रहे थे। ऐसे में आरोग्य सेतु ऐप पर अलर्ट का संदेश आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी को होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी। फिलहाल सदर तहसील की सबसे तेज तर्रार टीम के लीडर एसडीएम सदर सहित पांच लोगों को स्वास्थ्य इस समय उत्तम है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार को कोरोना जांच की रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।